गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और विराम चिन्ह। विराम चिन्हों की इस श्रृंखला में हमने आपको पूर्ण विराम से परिचित कराया, अल्प विराम के बारे में बताया, आपको प्रश्न सूचक चिन्ह बताया, विस्मय सूचक चिन्ह बताया, योजक चिन्ह के बारे में भी आपको जानकारी दी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाषा में कई सारे विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं और हर एक चिन्ह का अपना एक प्रयोग, अपना एक महत्व होता है, इन्हें एक अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आज हम जिस विराम चिन्ह का बात करने जा रहे हैं वो है आपका यह विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह थोड़ा सा सुनने में अलग, लिखने में अलग और देखने में भी अलग। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण यानी किसी जगह से कुछ चीज़ लेना। तो ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उद्धरण चिन्ह होता क्या है, लगाया कैसे जाता है। तो उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कॉमा, दो छोटे कॉमा इधर और दो छोटे कॉमा इधर, यानी कि आप इस तरीके से देख सकते हो उद्धरण चिन्ह को, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, दो कॉमा इस तरफ, दो कॉमा इस तरफ। तो एक, ये एक अकेला नहीं होता, ये कुल मिला के चार कॉमा होते हैं। और कॉमास भी कैसे होते हैं, वो उल्टे कॉमा जैसे दिखते हैं। जैसे आप अल्पविराम लगाते हो तो आप कैसे लगाते हो अल्पविराम, ऐसा। तो ये अल्पविराम का ही उल्टा रूप होता है, ये इस तरीके से लगते हैं ऊपर की तरफ दो। तो ये होते हैं उद्धरण चिन्ह। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं। किसी की कही गई बातों को ज्यों का त्यों प्रयोग करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जब हम अपने वाक्य में, अपनी बात में किसी की कही हुई बातों का प्रयोग करते हैं और वैसे के वैसे हमें लिखना होता है कि किसी ने क्या कहा है, जब हम वो बात लिखते हैं अपने सेंटेंस में, तो हम उद्धरण चिन्ह के को लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो वाक्य हमारे नहीं है, किसी और के हैं। जैसे आपकी मम्मी ने आपको कहा है कि बाहर मत जाओ, तो आप क्या कहोगे, मम्मी ने कहा था क्या, बाहर मत जाना। मम्मी के वर्डिंग्स क्या थे, मम्मी बाहर जाते समय आपको बोल के गई कि बाहर मत जाना। तो आप जब अपने दोस्त से कहोगे कि मेरी माँ ने कहा है क्या, बाहर मत जाना, तो बाहर मत जाना वाक्य को आप इन्वर्टेड कॉमास यानी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखोगे। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी का नारा था क्या, करो या मरो, करो या मरो, इन्वर्टेड कॉमा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह में। तो उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है जिसने जो कहा है वो वाक्य को बिल्कुल उसी तरीके से लिखता है और उन कॉमा की सहायता से। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं, जिसे हमने पहले कहा, माँ ने कहा था, क्या कहा था माँ ने। अब माँ की जो वाक्य है, पहले तो यहाँ पर हम अल्प विराम लगा देंगे कि माँ ने कहा था, थोड़ा रुकेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। अब क्या कहा था, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, तो बाहर मत जाना पूर्ण विराम, और ये जो आपके दोनों कॉमा दोबारा लगा दो, यानी कि ये वाले चिन्ह दोनों और ये वाले चिन्ह दोनों, ये हुए आपके उद्धरण चिन्ह। यानी कि यहाँ पर भी दिया है दो और यहाँ पर भी दो दिया है, और ये जो वाक्य बाहर मत जाना, ये मम्मा के, आपके माँ के वाक्य हैं जिसे आपने प्रयोग किया है। माँ ने कहा था बाहर मत जाना, ये बाहर मत जाना को दोनों को आपने इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह में लिख दिया। दूसरा कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी का नारा था, गांधी जी का नारा था, क्या नारा था, करो या मरो, उन्होंने आजादी के लिए एक नारा दिया था, करो या मरो। अब यहाँ पूर्ण विराम भी लगाएंगे और दूसरा चिन्ह भी लगाएंगे। तो कभी भी तो उद्धरण चिन्ह लगाते समय पहले आपको जो वाक्य खत्म हो रहा है वहाँ पे रुक रहे हो, अल्प विराम लगाना है, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू करना है, पूरा वाक्य लिखना है, पूर्ण विराम लगाना है, पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह लगाना है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, पहला सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बोस ने कहा, अब कहा के बाद पहले तो हम लगाएंगे कॉमा, क्योंकि क्या कहा है आप लिखने जा रहे हैं, तुम मुझे खून दो, तो यहाँ पर उनके वाक्य शुरू हो रहे हैं, तो आप लिखोगे ऐसे उद्धरण चिन्ह के साथ, तुम मुझे खून दो, खून दो,
त्रिकोमा मैं तुम्हें, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका स्लोगन नारा था सुभाष चंद्र बोस का, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये और पूर्ण विराम लगाया, वापस उद्धरण चिन्ह आपने बंद कर दिए। तो इस प्रकार आपको ये चीज याद रखनी है कि हमेशा उद्धरण चिन्ह शुरू करने से पहले आपको अल्प विराम कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर उद्धरण चिन्ह लगाना पड़ेगा, पूरा वाक्य लिखोगे और उसके अंत में पूर्ण विराम लगाने के बाद उद्धरण चिन्ह बंद करना है। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, गहरे और दोहरे, और हमेशा दोहरे वाले दो साथ में प्रयोग किए जाते हैं, एक बार शुरू में और एक बार अंत में। तो इस प्रकार याद रखिए, उद्धरण चिन्ह वाक्य के वाक्य में किसी के कही हुई बातों को दोहराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं, दो जगह लगते हैं, एक बार वाक्य की शुरुआत में और उसके अंत में पूर्ण विराम के बाद लगाए जाते हैं। तो ये वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि लगाते समय अल्प विराम भी आ रहा है, पूर्ण विराम भी आ रहा है, तो कहाँ लगाना है, किस प्रकार लगाना है, ध्यानपूर्वक समझिए और कॉपी में लिखबद्ध कीजिए। आगे के मॉड्यूल्स में आगे के विराम चिन्हों के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए।